नमस्कार आज हम लोग ज़्यादा जानेंगे जारे कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में तो सबसे पहले ये बता दें कि कंप्यूटर के दो मुख्य पार्ट होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैसे कहते हैं हार्डवेयर इज अ फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर वह कल पुरजे जो कंप्यूटर को संरचना देती है अगर कहा जाए तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क विद जस्ट ऑप जस्ट द हार्डवेयर यहाँ पर बताया गया है केवल हार्डवेयर ही हो और कंप्यूटर को चलाया जाए तो इम्पॉसिबल है हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का भी उतना ही महत्व जितना कि शरीर के साथ आत्मा का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मुख्य पार्ट होते हैं और सबसे पहले ये जान लें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ये जो है सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम होती है जो हार्डवेयर पर चलाया जाता है और इसको कैटेगराइज किया जाए तो ये टू पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के ये इसका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का टू कैटेगरीज यहाँ पर बताया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है चलाता है सॉफ्टवेयर दैट बुट्स द सिस्टम एंड अलाउ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क विद द हार्डवेयर ये हार्डवेयर के मदद से जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलाई जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को देख करता है संचालन करता है यानी कि पूरी तरह से मैनेज करता है जस्ट लाइक अ पेरेंट्स जिस तरह पेरेंट्स बच्चों को देखभाल करते हैं उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत से कैटेगरीज आती है आप देख सकते हैं एम एस डॉस एम एस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये अभी आउट ऑफ डेटेड हो गया है विंडो नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट ऐसे और भी वर्जन है विंडो टू थाउजेंड विंडो एक्स पी विस्टा विंडो सेवन विंडो टेन विंडो इस तरह के लेवन जो भी हो यूनिक्स लाइन ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को संचालन करते हैं चलाती है तो आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर डिफिनेशन किया जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे सब देख सकते हैं शॉर्ट so, में दिया गया है सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर इट इज सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हैं इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं इट इज इट बुट्स द सिस्टम एंड अलाउ टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क विद हार्डवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू गेट द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया जो हम डेली यूज़ के लिए जो यूज करते हैं पेंटिंग हुआ एम एस वर्ड हुआ एम एस एक्सल हुआ इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो हमारे यूज़ के लिए बनाई गई है ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेट करता है सिस्टम को चलाता है संचालन करता है तो इस तरह आपने देखा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम थैंक यू